Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. So as you guys know by the title, I'm back with another swatch video. Now, अभी तक मैंने जितने भी swatches करे हैं अपने channel पे, वो सभी lipstick swatches हैं. But today's video is going to be a bit different because आज की video में मैं lipstick नहीं बल्कि lip glosses के swatches share करने वाली हूँ. सो येस, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ माई ग्लैम के प्ले फ्लेवर्ड लिप ग्लॉस. एंड इसमें टोटल 12 शेड्स दे हैव लॉन्च. एंड आज की वीडियो में सारे 12 शेड्स के स्वॉचेस आपको मिलने वाले हैं एज वेल एज रिव्यू. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. ओके गाइज, सो टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग, सो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आते हैं. इनकी पैकेजिंग इज वेरी सिमिलर टू जो इनकी फ्लेवर्ड लिपस्टिक्स आती है उनसे. लाइक वेट, लेट मी शो यू. सो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में इनकी लिपस्टिक्स आती है एंड ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में इनके जो हैं लिप ग्लॉसेस आते हैं. सो पैकेजिंग इज़ प्रिटी सिमिलर, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द साइज. एंड इसमें आप देख सकते हैं फ्रूट्स वगैरह बने हुए हैं. सो दीज आर अगेन फ्लेवर्ड लिप ग्लॉसेस. सो हर लिप ग्लॉस में से जो भी फ्लेवर का लिप ग्लॉस है वैसा इसका फ्रेग्रेंस आता है. इनर पैकेजिंग इज लाइक दिस. सो दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक. इट्स अ ट्रांसपेरेंट बॉटल, सो यू कैन सी द शेड प्रॉपरली अगर आपके साथ बहुत सारे शेड्स हैं इसके. So it's very easy to identify through bottle. Okay, so these are priced at 595 rupees and you get 4.5 ml of the product, which I think is pretty good. It's pretty decent. मतलब quantity is pretty decent. Okay, so ये lip glosses मैं काफ़ी time से use करती आ रही हूँ and I can review them properly. So अभी भी मैंने इनमें से एक shade wear करा हुआ है. Now as we all know कि जो lip glosses होते हैं ना, they are bit tacky, but इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Like वो tacky होते हैं, lips जो हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दीज आर वेरी 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 कम्फर्टेबल एंड स्पेशली इफ़ यू हैव ड्राई चैप लिप्स की प्रॉब्लम, देन यू कैन गो फॉर दीज वंस. आई एम प्रिटी श्योर यू विल नॉट रिग्रेट देम. ऑल्सो इफ यू आर लिप ग्लॉस लवर देन तो डेफिनेटली आपके वैरायटी में होना ही होना चाहिए. ऑल्सो गाइज, यूजुअली जो लिप ग्लॉसेस की जो टेंडेंसी होती है ना, वो ऐसी होती है कि अगर हमारे हेयर हमारे लिप्स पे आते हैं तो वो यूजुअली स्टिक हो जाते हैं, बट इसके साथ ऐसा नहीं है. एंड आई मस्ट से दैट दीज आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग. कीपिंग इन माइंड दैट दीज आर लिप ग्लॉसेस उतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते नहीं है, बट दीज आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग. एंड ऑफकोर्स ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है बिकॉज दीज आर लिप ग्लॉसेस, बट लेट मी टेल यू ऐसा नहीं है कि पूरे एक साथ निकल आते हैं. लाइक हेयर आई एम वेयरिंग वन ऑफ द शेड्स. दिस इज आई गेस इन द शेड, दिस इज इन द शेड चेरी बर्स्ट. सो ये मेरे पास एक टिश्यू है. हेयर यू कैन सी कि मैंने इसको रिमूव करा है, बट ये पूरा रिमूव नहीं हुआ है. यू कैन सी द स्टेन इज स्टिल देयर ऑन माई लिप्स. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो इसकी ग्लॉसीनेस है वो रिमूव हो जाएगी, बट जो इसका स्टेन है दैट विल स्टे ऑन योर लिप्स. सो दीज लिप ग्लॉसेस आर वेरी हाईली पिगमेंटेड. सो ये ऐसा लगता है ये लिप ग्लॉसेस नहीं है, दीज आर मोर लाइक लिपस्टिक्स. जो कि ग्लॉसी लिपस्टिक्स होती है ना, वैसा इसका टेक्स्चर और फील वैसा ही आता है. अगर हम इसके एप्लीकेटर की बात करें, सो यू कैन सी काफ़ी अच्छा इसका एप्लीकेटर है. काफ़ी प्रिसाइज जो है इससे एप्लीकेशन हो जाता है एंड कोई भी इशू ऐसा आता नहीं है. ओवरऑल दीज लिप ग्लॉसेस आर लाइक रियली ग्रेट. पैकेजिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है एंड आई मस्ट से दैट दीज आर वर्थ ट्राइंग. ऑल्सो गाइज, जो इसके शेड्स हैं ना, दे आर ऑलमोस्ट सेम. लाइक इसमें 12 शेड्स आते हैं एंड जो मैंने इसकी लिपस्टिक की आपको स्वॉचेस दिखाए थे उसमें भी 12 शेड्स आते हैं एंड सारे ही शेड्स के नाम जो है वो एकदम सेम है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज, बट जो शेड्स है ना वो डिफरेंट है. ऐसा नहीं है कि शेड्स भी सिमिलर है, बट शेड नेम्स आर ऑलमोस्ट सेम. सो गाइज दैट्स इट, अब हम देख लेते हैं इसके स्वॉचेस.
ओके गाइज दैट्स इट, ये थे स्वॉचेस एज वेल एज रिव्यू ऑफ माई ग्लैम लिप ग्लॉसेस. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हों. एंड दैट्स इट गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.